भाजपा के सिक्टौर स्थित नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ गोरखपुर के साथ अयोध्या, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, रायबरेली, जौनपुर, अलीगढ़, बागपत के जिला कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र व बुके देकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यह क्षेत्रीय कार्यालय 5 फ्लोर का बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिसमें एक बड़ा मीटिंग हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल भी बनाया गया है, जिसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के किसी भी जिले के पदाधिकारियों के साथ बात की जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, संगीता यादव, रवि किशन, विधायक श्रवण निषाद, महेंद्र पाल सिंह, एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और पत्रकारिता जगत से आए सभी पत्रकार, सभी जानते हैं दुनिया के विकास में देशों की अगली परंपरा खड़ा है। परिवार निर्भर दुर्बल शोषित परिवारों को तमाम निःशुल्क जन कल्याणकारी योजनाएं देकर समाज के विकास की धारा से जोड़ने का कार्य किया गया। छोटे किसानों को खड़ा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया। क्या कोई गरीब जो असाध रोग से ग्रसित रहा था 8 वर्षों में जोरदार तालियों से स्वागत है। तो बगल में छोटा भाई के रूप में उसी नगर जनपद भी अवश्य नजर आएगा। अगल बगल के जिले हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर संपूर्ण उत्तर प्रदेश, पूर्ववर्ती सरकारों के हाथ में जो गुंडा राज आज के अवसर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुखद अवसर था कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोरखपुर क्षेत्र कार्यालय का जो यहाँ पर उद्घाटन किया है, तो इससे आम हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको यहाँ पर आने का और इस कार्यालय में तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। अब तक हम लोगों का कार्यालय किराए के भवन में चलता था, अब अपना कार्यालय हुआ है, आज सबको बहुत खुशी है। और गरीब कल्याण योजना का भी आज जो यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ है, देखिए भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसानों की पार्टी है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सबको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सबको मिले इसकी चिंता करती है। और गरीबी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के केंद्र बिंदु में गरीब को मान कर के ही, वो हमारा अन्नदाता किसान है, वो भगवान है, जनता जनार्दन है, उसकी सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और मैंने कहा कि सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिले, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और आज जो यहाँ पर कार्यालय
भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर क्षेत्र का जो कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हर ज़िले में अपना एक कार्यालय हो, उस दृष्टिकोण से आज पूरे भारत में, बल्कि भारत में तो सारे कार्यालय बन ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 100% अपने कार्यालय बन करके आज उसका लोकार्पण हुआ है। इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को, जगत प्रसाद नड्डा जी को, प्रकाश नड्डा जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से उनका अभिवादन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।